आज हम बनाने जा रहे हैं गवार की सब्जी। देखिए मैंने ऐसे छोटे छोटे गवार काट के रखे हैं। अब इसको मैंने बॉईल करने के रख दिया है। एक चम्मच नमक डालेंगे। अब इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे बॉईल करने के लिए। नमक डालने से क्या होता है कि जब हम सब्जी खाते हैं ना तो थोड़ी नमकीन लगती है, तो बहुत अच्छी लगती है। तो हम आप 5 मिनट के बाद मिलेंगे। गाइस, अब हम बनाना शुरू कर रहे हैं गवार की सब्जी। तो मैंने पहला 2 चम्मच ऑयल डाला। अब हम डालेंगे प्याज। प्याज को अच्छी तरह से हम ब्राउन होने देंगे। अब हमारी प्याज ब्राउन हो रही है तो हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का डालेंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट को हम अच्छी तरह से प्याज में मिक्स करके उसे भी ब्राउन करेंगे। प्याज और अदरक लहसुन अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हमारे गरम मसाले जाएंगे। मिर्ची पाउडर और ये हमारा गरम मसाला, ये है हल्दी। अब ये सारे मसाले सारे हम मिक्स करेंगे प्याज के साथ। और ऊपर से हम कटा हुआ एक टमाटर डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मसालों के साथ भूनेंगे। और थोड़ा सा आधा कप पानी डालेंगे। एक चम्मच नमक डालेंगे। इसके बाद हम कटी हुई कोथमीर डालेंगे जिसे हम धनिया बोलते हैं। और अच्छी तरह से हम कोथमीर को मिक्स करेंगे। देखिए हमारी गवार की सब्जी किस तरह लग रही है। अच्छी लग रही है ना? आप भी जरूर ऐसी बनाइए ट्राई। देखिए गाइस हमारी सब्जी मसालेदार कितनी अच्छी लग रही है। देखिए हमारी गवार की सब्जी कितनी अच्छी बनी है, मसालेदार लग रही है ना अच्छी। आप भी ट्राई कीजिए बनाने और खाइए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कैसी बनी। तो चलिए खाने के लिए।